हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी फैमिली का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 9। स्टूडेंट, जो हमारा आज का लेक्चर है वो है क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 9, और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स की। देखिए, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने आपको अभी तक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाया है, और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये थर्मोडायनामिक्स का लास्ट चैप्टर है, जहाँ मैं बात करूँगा बच्चों प्रोसेस की, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, या मैं बात करूँगा इंजन की, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन। ठीक है, मैंने अभी तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको नहीं कराए हैं, हालांकि आज मैंने जो कल जो हम लोगों ने आपके पास में लेक्चर भेजा था उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सभी क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक मैंने बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी पूरी यूनिट ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी सवाल आते हैं वो एक दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत कम सवाल ऐसे होते हैं जो सिंगल चैप्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे बच्चों हम लोग थर्मोडायनामिक्स की, और देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर यहाँ हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहले बच्चों मैं आप लोगों को थर्मोडायनामिक का बेसिक बता देता हूँ कि थर्मोडायनामिक का बेसिक है क्या। देखो, थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट इज थर्मो एंड सेकेंड इज डायनामिक्स। थर्मो मीन्स थर्मल, यानी हीट और एनर्जी, और डायनामिक्स का मतलब है मोशन, यानी हीट का ट्रांसफर या हीट का जो मोशन है। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ओके, शुरुआत देखिए हम लोग कहाँ से करते हैं बच्चों। बच्चों थर्मोडायनामिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा, देखो शुरुआत तो कहीं और से ही होती है, कुछ बेसिक्स आते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास में है नहीं, आप भी इस बात को जानते हैं कि हम बेसिक्स को पढ़ सकें। हम स्टार्ट करते हैं ऐसे पॉइंट से जिसकी हम लोगों को ज़रूरत है स्टूडेंट। तो पहले नंबर पर जो बच्चों हमारे पास में पॉइंट आता है इसका नाम है हीट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीट की। देखो बेसिकली हीट क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हीट का ट्रांसफर होता है, या सराउंडिंग से सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर होती है, या सिस्टम से सराउंडिंग में जो हीट जाती है, जो एनर्जी जाती है, उसी एनर्जी को हम यहाँ पर हीट का नाम देने वाले हैं स्टूडेंट। तो हम लोगों को सबसे पहला पॉइंट ये देखना है बच्चों कि अगर मैं टेम्परेचर को T1 से बदलकर T2 कर देता हूं, क्या तो मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं या मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूं? मैंने टेम्परेचर को T1 से बदलकर T2 कर दिया, टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, तो हम देखना चाहते हैं बच्चों हीट में कितना चेंज आएगा, कितनी हीट ट्रांसफर होगी। देखिए बेसिकली हमारे पास में जो हीट का फॉर्मूला है बच्चों, बिल्कुल गौर के साथ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मींस चेंज इन हीट स्टूडेंट, डेल्टा क्यू मींस चेंज इन हीट। तो स्टूडेंट हम लोग ये देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आने की वजह से, जो ये हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ है T1 से लेकर T2 तक, कितना हीट का ट्रांसफर होने वाला है। तो बच्चों पहला फॉर्मूला है अपने पास में, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू N यानी नंबर ऑफ मोल, C यानी स्पेसिफिक हीट। हम लोगों ने लास्ट कंडीशन में यानी कल की क्लास में इसी की बात की थी, स्पेसिफिक हीट की, और यह है डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों कुल मिलाकर इतनी हीट का ट्रांसफर होने वाला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को मैं दो कंडीशन में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ब्रेक, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि बात होती है एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर। बच्चों यदि बात होती है एट कांस्टेंट प्रेशर की तो फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ मोल। आप जानते हैं कि सी क्या है, सी है स्पेसिफिक हीट और यह है डेल्टा टी। फॉर्मूला आपके सामने है, इसके जैसा है। हल्का सा एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा और वो क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर मींस यहां पर आ जाएगा सीपी। सीपी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कल की क्लास में बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसकी बात की थी और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सीपी इज इक्वल टू एफ बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आर। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। एफ होता है हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3, डाईएटॉमिक गैस के लिए 5, ट्राईएटॉमिक में 2 कंडीशन बनती है, लीनियर के लिए 7 और नॉन लीनियर के लिए 6 यानी 6। ये एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट की वैल्यू है बच्चों। दूसरी कंडीशन हमारे सामने आती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी बच्चों यह है डेल्टा क्यूपी। डेल्टा क्यूपी यानी जब प्रेशर कांस्टेंट है और डेल्टा क्यूवी यानी जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला होगा बच्चों एन यानी नंबर ऑफ मोल, सी यानी स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। बस यहां आ जाएगा वी। सीवी को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और सीवी की वैल्यू बच्चों हमारे पास में होगी ये एफ आर बाय टू, एफ हो गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों कुल मिलाकर ये हमारे पास में आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास में हीट का फॉर्मूला है। हीट का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास में है। हम सीधा इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, हम सीधा इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल क्या होने वाला है बच्चों। एग्जाम्पल बना हमारे पास में 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस है बच्चों, O2 गैस है, ठीक है। इसका टेम्परेचर हम 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हैं, 20 से बढ़ाकर 60 पर लेकर जाते हैं। तो भैया एक बात बताओ, ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ाना है यानी ऑक्सीजन को गर्म करना है। अगर ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट हमें चाहिए होगी। जब हम इसे हीट देंगे, हम इसे गर्म करेंगे, तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हीट को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि कितना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ हमें एक बात कह रखी है बच्चों और वो है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात हमें साफ साफ कह रखी है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, तब आपको बताना है हीट कितनी होगी। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, एकदम से हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे यार हीट चाहिए, हीट तो चाहिए। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, हीट का फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी। ये अपने पास में हीट का फॉर्मूला है एन सी डेल्टा टी। लेकिन एक बात देखिए, आपने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पर आ जाएगा सीपी, क्या आ जाएगा सीपी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां आ जाएगा सीपी, और अगर यहां सीपी आ गया है तो हम कुछ इस तरीके से इसे लिखने वाले हैं। आप गौर करें बच्चों, सीपी आने पर सीपी का फॉर्मूला अपने पास में होता है एफ बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आर। आप देखो ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, O2 गैस की बात हो रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि एक डाईएटॉमिक गैस है और डाईएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है बच्चों। जो ऑक्सीजन गैस है O2 डाईएटम है, O2 दो एटम है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। हम वैल्यू पुट करेंगे 5, देखिए आंसर क्या मिलेगा। F की जगह 5 रखेंगे, आंसर मिल जाएगा 7R/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ CP। ये हमारे पास में CP की वैल्यू बन गई है बच्चों 7R/2। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, आप देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन यानी नंबर ऑफ मोल,
कैसे निकालोगे भैया नंबर ऑफ मोल, क्या तरीका होगा नंबर ऑफ मोल निकालने का? मास तुम्हें दे रखा है, O2 का मॉलिक्यूलर मास 32। नंबर ऑफ मोल का तरीका होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लीजिए साहब नंबर ऑफ मोल निकल गए 2/32, मास हो गया है 2 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हो गया है 32। नंबर ऑफ मोल हमारे निकल गए। सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया 7R/2। डेल्टा टी कितना हुआ? डेल्टा टी हुआ ये 20 है, टेम्परेचर को 60 कर दिया, डिफरेंस आएगा 40। हमने यहाँ रखा है स्टूडेंट 40, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट, यह आएगा 20, यह आएगा 16। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 14, ठीक है, साथ में 0 है, साथ में R है, डिवाइडेड बाय 16 है। लीजिए साहब कुछ इतना आंसर हमारे पास में आ जाएगा। R की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 8.31 जूल मोल इन्वर्स डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या कैल्विन इन्वर्स, ये हम लोग इसे लिख सकते हैं। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमारा बन जाएगा कि भैया इतनी हीट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों अभी तक हमने आपको ये समझिए कि हमने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है और वो है हीट का फॉर्मूला। फॉर्मूला है एनसी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी रखो, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो रखो एनसीवी डेल्टा टी। ज़रूरी बात है आप लोग इस बात को याद रखेंगे, हीट का काम हमारा पूरा हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप हीट के ऊपर प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। हीट का काम कंप्लीट, आगे भी हीट की बात आएगी लेकिन हीट का बेसिक लेवल पर काम पूरा हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट कंडीशन अपने पास में क्या आती है बच्चों, अगली सिचुएशन अपने पास में आती है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। स्टूडेंट जो अगला टॉपिक अपने पास में आता है वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। यार मैं चाहता हूं कि इंटरनल एनर्जी को ना बिल्कुल एक आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाऊं। इंटरनल एनर्जी बेसिकली है क्या? देखो मान लो कि हमारे पास में एक चैम्बर है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चैम्बर है और इस चैम्बर के अंदर गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल हैं बच्चों कुछ ऐसे, और ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन कर रहे हैं। स्टूडेंट ये जो गैस के मॉलिक्यूल है अपने पास में ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, कोई इधर मोशन कर रहा है, 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 ठीक है। तो अब आप ये देखिए ये मॉलिक्यूल दो तरीके से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कंटेनर के अंदर गैस बंद है, गैस के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अब हो क्या रहा होगा, वो मॉलिक्यूल मोशन कर रहे होंगे। एक तो मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से एनर्जी होगी, उसे हम नाम देंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन काम करेगा, अट्रैक्शन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो काम करेगा, एक एनर्जी उसकी वजह से होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी रहने वाली है, यू को बच्चों हम यहां इंटरनल एनर्जी का नाम देंगे। स्टूडेंट किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी रहने वाली है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। एक को हम नाम देंगे यू के, एक को हम नाम देंगे यूपी। अब आप देखिए यू के क्या है, यू के है इंटरनल काइनेटिक, इंटरनल काइनेटिक, और स्टूडेंट ये है हमारे पास में इंटरनल पोटेंशियल। यूके है इंटरनल काइनेटिक और यूपी है इंटरनल पोटेंशियल, ठीक है। ये वाली एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से, जो मॉलिक्यूल मोशन करता है ना बच्चों, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो तो होती है यूके, ध्यान रखिएगा आप लोग। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है, उस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है
उसे हम लोग बोलते हैं यूपी, इसका नाम है इंटरनल पोटेंशियल। यूपी इज द इंटरनल पोटेंशियल एंड यूके इज द इंटरनल काइनेटिक। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये बात तो हो गई इंटरनल एनर्जी की। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म अपने पास में आता है वो क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। स्टूडेंट देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में आता है वो क्या है, जरा वो समझते हैं हम लोग। वो है बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए बिल्कुल मैंने वैसा ही काम किया जैसे मैंने हीट में किया था, मैंने टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर या घटाकर T2 कर दिया है, मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया है। स्टूडेंट टेम्परेचर को मैंने T1 से चेंज करके T2 कर दिया है, क्या कर दिया है, T1 से T2 कर दिया। तो देखते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू से। डेल्टा यू इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों डेल्टा यू हमारा कहलाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा उसका फॉर्मूला है बच्चों एन, यानी नंबर ऑफ मोल, ध्यान रखिएगा एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल। सी वी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों इंटरनल एनर्जी के अंदर इतना चेंज आने वाला है एन सी वी डेल्टा टी। एन तो हो गया नंबर ऑफ मोल, जानते हो यार आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। सी वी क्या होता है, सी वी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जानते हो अभी बताया था। और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है ना बच्चों, चाहे तो आप इसे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, सेम रहने वाला है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा सी वी की वैल्यू मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सी वी की वैल्यू ये रहने वाली है FR/2, एफ को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप देखो, देखो कितना बढ़िया टर्म है हमारे पास में। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां रखूं तो ये बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ, हाफ यहां गया, एन यानी नंबर ऑफ मोल, एफ आर डेल्टा टी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास में बन गई है डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल, एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर हो गया है गैस कॉन्स्टेंट, और डेल्टा टी हो गया है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आने वाला है वो इतना आने वाला है। ये फॉर्मूला भी हमारे सामने हो सकता है, यानी हमारे पास में हो सकता है, और ये फॉर्मूला भी हमारे पास में हो सकता है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ, बहुत बड़ा अच्छा फॉर्मूला है यार, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी गैस आपको दे रखी है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, उसके लिए एफ की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से पता होती है। डेल्टा टी टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया, 10 से बढ़कर 50 हो गया तो 40 का चेंज आया, 50 से घटकर 30 हो गया तो 20 का चेंज आया, और एन है नंबर ऑफ मोल, ठीक है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसी को स्टूडेंट थोड़ा सा और मैं सॉल्व करता हूँ तो इस बार चेंज बनेगा ये डेल्टा यू इज इक्वल टू, ध्यान से जरा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाय टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। बच्चों बस ये समझ लीजिए, एक बड़ी ही शानदार ट्रिक है आपके सामने, या आप इसे फॉर्मूला कहें, और इस पर बहुत सवाल बनेंगे। पी टू वी टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, पी वन वी वन इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम और टू है कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूं, आप इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ओके। तो देखिए बच्चों इसके बाद की कंडीशन क्या है अपने पास में, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बना भाई अपने पास में। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम, और मान लीजिए कि एक लाइन हमारी कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाती है,
इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। लाइन कुछ ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, ये ऐसे। इस पॉइंट को हमने यहां से ज्वाइन कराया, इस पॉइंट को हमने यहां से ज्वाइन कराया, इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कराया, इसे यहां ज्वाइन कराया स्टूडेंट। ये प्रेशर P है, ये प्रेशर 3P है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम V है, ये वॉल्यूम 4V है, ठीक है। यहां से चलकर यहां पहुंच गया, और जिस गैस के लिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया है उस गैस का नाम है O2 यानी ऑक्सीजन गैस। तो आपको इस ग्राफ को देखकर बच्चों ये बताना है कि ये बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस AB, AB के दौरान जब ग्राफ हमारा A से B की तरफ जा रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा, हमें ये बताना है। देखो यार, बड़ा एक बढ़िया सा तरीका है अपने पास में और हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है उसका फॉर्मूला अपने पास में होता है ये F/2 P2V2 - P1V1। इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा उसका फॉर्मूला अपने पास में यह है F/2 P2V2 - P1V1। बड़ा इजी सा है, आराम से करेंगे हम लोग अपनी से। क्या बनेगा जरा देखते हैं। ΔUAB = ऑक्सीजन गैस है बच्चों, O2 यानी डाईएटॉमिक गैस है। डाईएटॉमिक गैस के लिए स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम रहने वाली है 5, डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 2 से, तो ये हो गया 5/2। P2V2 यानी देखो इनिशियल ये है क्योंकि यहां से चला, फाइनल ये है क्योंकि यहां पहुंच चुका है। तो यहां का प्रेशर और यहीं का वॉल्यूम, जरा बताओ इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है P, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम 4V। ये प्रेशर तो हो गया P2 और ये हो गया V2, ये हो गया P2 और ये हो गया V2, P2V2। बीच में आएगा माइनस P1V1 कितना होगा, ये हो गया P1 और ये हो गया V1, P1 हो गया 3P, V1 हो गया V, तो ये हो जाएगा 3PV। तो बच्चों जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सो ΔUAB = 5/2 4PV - 3PV, हमारे पास में बचा सिर्फ PV। आंसर आ गया है स्टूडेंट 5PV/2 और वो भी प्लस में। कुल मिलाकर इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होने वाला है ड्यूरिंग द प्रोसेस AB वो इतना होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बात, वही बहुत मुश्किल काम है नहीं, आप आराम से इसे कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, जैसे A से B की तरफ आया, एरो का साइन दिख रहा होगा आपको, A से चलकर B पर पहुंच गया तो B हो गया फाइनल, A हो गया इनिशियल, वैसे ही हम लोगों ने प्रॉब्लम को लगाया है, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के ऊपर एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं क्या है। देखो इंटरनल एनर्जी हमारे लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। वाई एक्सिस पर हो गया है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर हो गया है, नहीं प्रेशर वॉल्यूम नहीं लेते हैं यार, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, इस बार हम लोग लेते हैं देखो इस बार कंडीशन क्या रखते हैं, मान लीजिए कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, चलो प्रेशर और वॉल्यूम ही रखते हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है A से ग्राफ यहां जाता है B पर, B से आता है C पर और फिर C से आता है A पर। अब आप ये देखो बच्चों कि हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, A से, A से कहां गया B, B से कहां गया C, C से कहां आया A, तो ये कौन सा प्रोसेस बन गया स्टूडेंट हमारे पास में, साइक्लिक प्रोसेस। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इन साइक्लिक प्रोसेस ΔU A से B, B से C और C से A, A से B, B से C, C से A। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज बच्चों जीरो रहने वाला है। जो प्रोसेस जहां से स्टार्ट होता है अगर वो घूम कर वहीं पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो जीरो के बराबर होगा, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है।
डेल्टा यू ए से बी, बी से सी, सी से ए, कुल मिलाकर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया स्टूडेंट वो हमारा जीरो के इक्वल रहा। कुछ इस तरीके से हम कंडीशन को बनाएंगे। इजी है, बड़े आराम से बना भी सकते हैं, कोई मुश्किल वाला काम है भी नहीं। ठीक है, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जरा आप लोग देखिए कि आगे हम लोग और क्या इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। मैं बच्चों इसे लिख सकता हूं डेल्टा यू ए से बी प्लस डेल्टा यू बी से सी प्लस डेल्टा यू सी से ए, और इन तीनों का सम जीरो के बराबर रहेगा। जरूरत पड़ेगी आगे चलकर न्यूमेरिकल में इसके, ध्यान रखिएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस आया तो मैं उसे खोल कर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, और इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है भाई, ध्यान रखिएगा। डेल्टा यू ए से बी, डेल्टा यू बी से सी, डेल्टा यू सी से ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आप देखिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो कंडीशन में जीरो के बराबर होने वाला है। ये जो हमारा डेल्टा यू है बच्चों, ये दो सिचुएशन में जीरो के बराबर रहेगा। डेल्टा यू दो कंडीशन में जीरो के बराबर रहने वाला है। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन, डेल्टा यू जीरो रहेगा साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस, जो प्रोसेस जहां से शुरू हुआ प्रेशर और वॉल्यूम में, अगर वो वहीं आकर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा यू हमारा जीरो के बराबर रहने वाला है। एक और कंडीशन है डेल्टा यू की जीरो रहने की, डेल्टा यू हमारा जीरो के बराबर होगा बच्चों, और कब होगा? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। स्टूडेंट यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो के बराबर रहेगा। तो बच्चों हमने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी है क्या, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के मोशन और मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काम करता है उसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम नाम देंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। यू से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला है यू के प्लस यूपी। बच्चों हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है लेकिन एक बार और देख लीजिएगा आप। डेल्टा यू का एक फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है हाफ एन एफ आर डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बच्चों तीसरा फॉर्मूला है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, एफ बाय टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ध्यान रखेंगे। एफ बाय टू पी टू वी टू माइनस के पी वन वी वन। देखो एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट यहां से आता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कैसे जरा समझते हैं। गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू अपॉन एफ। गामा यानी एडियाबेटिक गैस कॉन्स्टेंट। गामा को हम सी पी अपॉन सी वी भी लिख सकते हैं, ये गामा है बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है वन प्लस टू अपॉन एफ। अगर मैं यहां से टू अपॉन एफ की वैल्यू निकालूं तो आएगा गामा माइनस वन, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं यानी उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा एफ बाय टू इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन। एफ बाय टू इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन। तो बच्चों अगर हम चाहें एफ बाय टू को यहां से उठाकर यहां रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे ही यहां इसे रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा सो डेल्टा यू इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। गामा के टर्म में हो सकता है कि आप लोगों से पूछ ले। तो कुल मिलाकर हमारे पास में इंटरनल एनर्जी के चेंज का एक फॉर्मूला यह है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में, एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये हो गया है, और दो हमारे पास में नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट है साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो के बराबर रहता है इन कंडीशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, और नंबर टू यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा यू हमारा अगेन जीरो के बराबर होगा।
अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो होगा, और दूसरा अगर टेम्परेचर, टेम्परेचर तो यार जानते हो, इतनी बेसिक बात भी बतानी पड़ेगी कि आप लोगों को कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना टेम्परेचर घट रहा है, तब हमारा उस कंडीशन में भी डेल्टा यू जीरो के बराबर होने वाला है। ओके बच्चों, ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इंटरनल एनर्जी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर। जैसे कि ये एक इनिशियल पॉइंट ए है, ये इनिशियल फाइनल पॉइंट बी है, यहाँ एक इंटरमीडिएट पॉइंट सी है। अगर आप एक बार इस रास्ते से ए से बी पर जाते हैं और एक बार इस रास्ते से जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा डेल्टा यू ए सी बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी, यानी जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज इस रास्ते से आएगा उतना ही इस रास्ते से आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, पाथ पर कभी डिपेंड नहीं करेगी बच्चों। तो दो टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, एक टॉपिक का नाम है हीट और एक टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। अब तुरंत इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट वर्क डन की, वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनल एनर्जी के बाद में, वह है वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बेसिक क्या है जरा पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, बेसिक है क्या बच्चों। कॉन्सेप्ट है अपने पास में वर्क डन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क डन होगा तो होगा कैसे। देखिए हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल कंसीडर किया स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल वेसल, और इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर हमने ये एक मूवेबल पिस्टन लगाया, मूवेबल पिस्टन जो अपनी जगह से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ कोई भी गैस कन्फाइन है स्टूडेंट, कोई भी गैस हम लोगों ने यहाँ भर के रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ये अपने पास में ये गैस है स्टूडेंट, ये गैस है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, मैंने इस गैस को बच्चों बाहर से हीट दी कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे ही ये हीट यहाँ एंटर करेगी, मान लीजिए कि मैंने बाहर से इसे इतनी हीट दी है डेल्टा की, जैसे ही ये हीट इसे मिलेगी मॉलिक्यूल तेजी से जाकर पिस्टन से टक्कर मारेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, पिस्टन से टकराएंगे और पिस्टन के ऊपर पी प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही आप बाहर से हीट दोगे मॉलिक्यूल तेज भागेंगे और जाकर पिस्टन से टकराएंगे, और पिस्टन से टकराकर देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे ही वो टकराएंगे पिस्टन अपनी जगह से, स्टूडेंट ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है ये पिस्टन अपनी जगह से मूव करके, ये पिस्टन अपनी जगह से मूव करके यहां से यहां पहुंच जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि जो चेंज आया है वह है डेल्टा वी, डेल्टा वी इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम। कैसे आया वॉल्यूम के अंदर चेंज, जरा आप लोग ध्यान से देखें भाई, हमारे पास में पहले पिस्टन यहां था तो ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, अब पिस्टन यहां पहुंच चुका है ये हो गया है फाइनल वॉल्यूम। पहले पिस्टन यहां था, नीचे से मॉलिक्यूल आए टकराए, पिस्टन धीरे 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 ऊपर गया, इतना चेंज आ गया। ठीक है, पहले इनिशियल था अब फाइनल है, यानी डेल्टा वी को हम कह सकते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो बच्चों वर्क डन, टॉपिक का नाम वर्क डन था, अब हम देखते हैं कि वर्क डन बेसिकली है क्या। हम लोग किसे वर्क डन कहेंगे स्टूडेंट, वर्क डन हम कहेंगे तो कहेंगे किसे, जब गैस के मॉलिक्यूल जाकर पिस्टन से टकराए और पिस्टन ऊपर भागा तो हम कहेंगे वर्क डन बाय गैस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है वर्क डन का। बताइए मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर लगाया, पी,
वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा वी, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। कुल मिलाकर जो वर्क हमें करना पड़ेगा बच्चों वो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पी यानी प्रेशर और डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम लोग चाहें तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पी यानी कितना प्रेशर लगाया है, फाइनल वॉल्यूम कितना है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ये कंडीशन बच्चों हमारे सामने रहने वाली है। अच्छा, इसी के उलट ऑल्टरनेट एक और फॉर्मूला हमारे पास में वर्क डन का रहेगा बच्चों, और वो रहेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी, एन यानी नंबर ऑफ मोल, सिलेंडर के अंदर जो गैस बंद है उसके पास में कितने मोल है, आर तो गैस कॉन्स्टेंट हो गया और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस के टी वन, टी टू माइनस के टी वन। ये कुछ कंडीशन हमारे पास में होने वाली है बच्चों। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि वर्क डन क्या है, जब सिलेंडर का पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यानी गैस क्या तो एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी, उन दोनों कंडीशन में वर्क करना पड़ेगा, और गैस कितना वर्क करेगी या गैस के ऊपर कितना वर्क होगा, कितनी एनर्जी खर्च होगी एक्सपैंड होने में या कंप्रेस होने में, वही हमारा वर्क डन कहलाएगा। और आप ये समझिए कि वर्क डन के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। तो कुछ रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, आप लोगों के सामने कंडीशन बनी हुई है, कुछ रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट है क्या हमारे पास में। भाई पहला रिजल्ट स्टूडेंट हमारे सामने ये आता है, पहला रिजल्ट हमारे सामने आता है वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। एक फॉर्मूला तो अपने पास में ये है। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, ये दूसरा फॉर्मूला है भाई अपने पास में, एन आर डेल्टा टी। ओके, थर्ड कंडीशन नोट पॉइंट हमारे पास में ये है, अगर गैस एक्सपैंड होगी बच्चों, एक्सपैंड ध्यान रखिएगा, तो वर्क डन की वैल्यू होनी है पॉजिटिव, और अगर गैस होगी कंप्रेस्ड बच्चों, अगर गैस हमारी कंप्रेस्ड होगी उस केस में डी डब्ल्यू यानी वर्क डन नेगेटिव लिया जाएगा। ये छोटी छोटी तीन बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। वर्क डन का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, अगर गैस एक्सपैंड होगी वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव है, और अगर गैस कंप्रेस्ड होगी तो वॉल्यूम हमारा घटेगा और वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। मैं कुछ एग्जांपल आपको इसके ऊपर बताता हूं, आप जैसे कि देखिए वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम। मैंने एक छोटी सी लाइन आपके सामने बनाई कुछ ऐसे, ये मैं लाइन बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये वॉल्यूम हमें दिया गया है वी, ये वॉल्यूम हमें दिया गया है थ्री वी, प्रेशर है पी, ठीक है। ये छोटा सा ग्राफ आपके सामने है, बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, एरो का साइन अंदर की तरफ है। अब आपको इस ग्राफ को देखकर ये बताना है वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन नेगेटिव है। अब आप ध्यान से देखो, एरो का साइन देखो, इधर वॉल्यूम है, यहां एरो का साइन देखो, एरो का साइन अंदर की तरफ है यानी वॉल्यूम घट रहा है। यहां वॉल्यूम कितना था, दिस इज बी एंड दिस इज ए, एरो का साइन बी से ए की तरफ आ रहा है, थ्री वी से वी की तरफ आ रहा है यानी वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है यानी गैस कंप्रेस हो रही है, क्या हो रही है कंप्रेस, और अगर गैस कंप्रेस होगी तो वर्क होगा हमारा नेगेटिव। स्टूडेंट वर्क हमारा नेगेटिव होने वाला है, वो नेगेटिव वर्क होगा कितना ये हमें देखना है। एक बहुत मामूली सा काम हमें करना है, लाइन के नीचे नीचे का एरिया निकाल देना है, ये एरिया आप निकाल दीजिए, लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है ना वॉल्यूम के ऊपर, ये जो वॉल्यूम वाली एक्सिस है इसके ऊपर और लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है वो एरिया आप कैलकुलेट कर दीजिए, वर्क की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव,
नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस कंप्रेस्ड हो रही है, ठीक है। देखो इतनी लंबाई हमारे पास में कितनी है, पी, 3V में से V को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 2V। ये हो गई है लेंथ, ये हो गई है ब्रेथ। लेंथ की मल्टीप्लाई अगर हम ब्रेथ से करेंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा एंड फाइनल आंसर इज माइनस के 2PV। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इतना वर्क बच्चों हम लोगों को करने वाला है, नेगेटिव होगा और उसकी वैल्यू होगी 2PV। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट क्या हो सकता है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है जरा देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। मैंने आपके सामने एक साइक्लिक प्रोसेस बना दिया कुछ ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कंडीशन कुछ ऐसी है कि पहले हम ए से बी की तरफ जाते हैं, फिर हम बी से सी की तरफ आते हैं, फिर हम सी से ए की तरफ जाते हैं। तो पहचान करके हम ये कहेंगे ग्राफ हमारा ए से स्टार्ट हो रहा था और फाइनली ए पर जाकर खत्म हो रहा है। भैया जो कर्व है हमारे पास में वो ए से स्टार्ट होकर और फाइनली ए पर ही जाकर खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। और इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू है वो जीरो के बराबर रहने वाला है, डेल्टा यू रहने वाला है जीरो के बराबर। लेकिन हमें डेल्टा यू नहीं चाहिए यार, हमें तो वर्क चाहिए। क्या चाहिए? वर्क। उसका तरीका बताता हूं, वर्क का तरीका क्या होगा, ठीक है। ध्यान से, वर्क होगा पॉजिटिव या वर्क होगा नेगेटिव। बच्चों वर्क पॉजिटिव तब होगा जब ग्राफ हमारा क्लॉकवाइज रहने वाला है। यदि ग्राफ हमारा क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर ग्राफ हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव क्लॉकवाइज है और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज है, अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है तो। अब आप इस ग्राफ को देखकर बताएं कि ये साइक्लिक है या नहीं है। साइक्लिक है, पक्का है। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरीके से है तो क्लॉकवाइज है। तो इसका जो वर्क हो गया DW वो हो गया पॉजिटिव। कैसे निकालेंगे वर्क? इसके अंदर अंदर का एरिया निकाल दीजिए। एरिया मान लीजिए कि कुछ डेटा आपको दे रखा है। डेटा क्या है जरा समझिएगा। डेटा है स्टूडेंट आप लोगों का, ये प्रेशर है 3P, ये प्रेशर है P, ये वॉल्यूम है V, ये वॉल्यूम है 3V। देखो यार ट्राइंगल बन गया आपके सामने, और ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है हमारे पास में 3P में से 2P को माइनस करेंगे, 3P में से P को माइनस करेंगे यह आएगा 2P, 3V में से V को माइनस करेंगे तो यह आएगा 2V, ओके। तो भैया तुम्हारे पास में हाइट तो हो गई है ये, और बेस हो गया है तुम्हारे पास में ये। वर्क का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, तो वर्क इज इक्वल टू प्लस 2PV। फाइनल आंसर निकल गया बच्चों हमारा वर्क का। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने बात की हीट की, इंटरनल एनर्जी की, और थोड़ी सी बात हम लोगों ने की है वर्क डन की। बाकी की क्लास हम अपनी लेक्चर नंबर 10 में कंटिन्यू रखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमें काफ़ी काम करना है, फिर इसके तीनों चैप्टर्स के ऊपर हमें प्रॉब्लम बनानी है। हम उम्मीद करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके पूरा पढ़ने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जिसके अंदर दोनों तीनों चैप्टर्स की DPPs आप लोगों को मिलेंगी। वहाँ जाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो डाउट आए वो हमसे डिस्कस करें आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट एक बात और, अब से आप लोगों को SMS के जरिए लिंक नहीं मिलेगी, सीधा आपको लाइफाई लर्निंग YouTube चैनल पर पहुंचकर अपने वीडियोस को देखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।